Hello friends, so I am back with my new lecture which I have already told earlier in my previous lecture that I will be discussing the swarm of desert locusts in my next lecture. So that is very important from your prelims and examination point of view. So we will study the background behind the desert locust, how they are originated, what are the conditions which are required for their breeding to take place, what is the destruction, magnitude of destruction caused by the desert locust, from where they have come from to the location where they are heading towards, and we will study the solutions or the measures taken by the government and what measures government has adopted and what more can be adopted by the government to weed away these locusts from the country. And we will study about the organization which is responsible to take the suitable measures to weed away these locusts. So starting with my lecture, this is the background of locust. तो आप ये समझ लीजिए कि ये ग्रास होपर्स फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. और ग्रास होपर बेसिकली क्या होता है ना, ग्रास होपर आप समझ जानते हैं टिड्डा होता है. तो ग्रास होपर जो होते हैं हर्बीवोरस इंसेक्ट्स होते हैं, उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो तीन टाइप के ये फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट होता है इसमें ग्रास होपर होता है और एक ये लोकस्ट होते हैं. तो हम लोकस्ट की बात कर रहे हैं, ये सेम होते हैं, ग्रास होपर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट उनमें एक डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू ग्रास होपर्स एज कम्पेयर टू क्रिकेट, कि ये दो फेज में लाई करते हैं. दे आर जनरली फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स, ये डेजर्ट रीजन में लाई कर पाए जाते हैं, डेजर्ट कंडीशंस में आप समझ लीजिए पाए जाते हैं. और दो 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 फेज में लाई करते हैं ये एज अगेंस्ट द ग्रास होपर्स एंड क्रिकेट. पहला फेज होता है सोलिटरी फेज, जिसमें हार्मलेस होते हैं, अकेले लाई करते हैं, और डेजर्ट कंडीशन होती है तो ये सोलिटरी फेज में लाई करते हैं. देन ये ग्रिगेरियस फेज में बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं. वो कब बदलते हैं, जब क्राउड में ये प्रेजेंट होते हैं और साथ में एनवायरमेंटल कंडीशंस कॉन्गेनियल होती हैं, यानी कि कंड्यूसिव होती हैं. वो एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, कि वेट सॉइल हो, यानी कि डेजर्ट में अगर बारिश हुई हो तो वेट हो सॉइल, और साथ में वेजिटेशन वहाँ पे उगी हुई हो, फुल वेजिटेशन हो, ट्रीज वगैरह हो, वो फुल ब्लूम में हो, तो ये ग्रिगेरियस फेज में बदल जाते हैं. अब जब ये ग्रिगेरियस फेज में बदल जाते हैं तो इनका बिहेवियर, अपीयरेंस, इनकी फूड ईटिंग हैबिट्स, इनका कलर और इनका बिहेवियर एटीट्यूड सब चेंज हो जाता है. तो पहले ये हार्मलेस होते हैं सोलिटरी फेज में, फिर ये हार्मफुल हो जाते हैं, ये डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं ग्रिगेरियस फेज में. ये ग्रीन कलर के होते हैं सोलिटरी फेज में, और ये बदल जाते हैं येलो ब्लैक कलर के ग्रिगेरियस फेज में. और साथ में इनकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, ये बहुत सादा खाना खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हैं, इनका ब्रेन बड़ा साइज में हो जाता है, और भी काफ़ी कुछ बदल जाता है, वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे. तो क्या क्या हैबिट बदल जाती है इन ग्रिगेरियस फेज, ये बहुत सारा खाना खा सकते हैं, ये कुछ भी खा सकते हैं, क्रॉप्स नॉन क्रॉप्स कुछ भी खा सकते हैं, फ्रूट्स फ्लावर्स लीव सीड ग्रास वीट डेट पॉम्स कुछ भी खा सकते हैं. ये कहने का मतलब है कि पूरी पूरी फसल आपकी चौपट कर सकते हैं खाना, ये ट्रीज खा सकते हैं, ट्रीज की लीव्स खा सकते हैं, वुड नहीं खा सकते, ट्रीज की लीव्स खा सकते हैं ये. ये जो है सीड्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह सब खा सकते हैं. ए स्वार्म ऑफ 40 मिलियन लोकस्ट इन वन ए स्वार्म ऑफ 40 मिलियन लोकस्ट इन वन स्क्वायर किलोमीटर कैन कंज्यूम क्रॉप्स इक्विवेलेंट टू द फूड ऑफ 35,000 पीपल इन वन डे. कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि जो एक स्वार्म होता है, स्वार्म मतलब ग्रुप, जो लोकस का जो ग्रुप होता है वो इतना बड़ा हो सकता है कि इसमें 40 मिलियन लोकस लाई कर सकते हैं. 40 मिलियन आप समझते हैं 40 यानी कि 400 चार करोड़ लोकस लाई कर सकते हैं एक स्वार्म में, इतना बड़ा इनका साइज हो सकता है. इनकी 2400 स्क्वायर किलोमीटर आप समझ लीजिए कि इनका साइज इतना बड़ा होता है, जैसे 40x60 का रेक्टेंगल मान लीजिए, यानी कि 40 आपकी 60 लेंथ हो गई या 40 हाइट हो गई, इतना बड़ा स्क्वायर किलोमीटर में ये लाई कर सकते हैं स्वार्म. और एक स्क्वायर किलोमीटर में 40 मिलियन लोकस्ट होते हैं, ये एक स्क्वायर किलोमीटर में जो 40 मिलियन होते हैं ये 35,000 लोगों का खाना खा सकते हैं एक दिन में. ये मैं मैक्सिमम फिगर बता रहा हूँ, लेकिन इतना लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ये कोज कर सकते हैं. इनका एंड्योरेंस बढ़ जाता है जब ये ग्रिगेरियस फेज में होते हैं, और इनका माइग्रेशन मूवमेंट्स बिकम वेरी फास्ट एंड रैपिड, ये बहुत फास्ट हो जाते हैं स्पीड में. और एंड्योरेंस यानी कि हीट में वेट, यानी कि कोई ह्यूमिडिटी है और हीट है कोल्ड और टेम्परेचर अगर वेरिएशन है, यानी कहीं कोल्ड है कहीं हॉट है,
तो इनका एंड्योरेंस बढ़ जाता है कि इनको इम्पैक्ट नहीं करता ये, और इनका ब्रेन भी साइज में बढ़ जाता है। द लोकस कैन ब्रीड और ये ब्रीड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल साइज में, एक्सपोनेंशियली ब्रीड कर सकते हैं विद ए सिंगल फीमेल कैपेबल ऑफ लेइंग 80 एग्स थ्राइस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल में ये 80 एग्स सिंगल फीमेल कैपेबल होती है कि एक फीमेल 80 एग्स तीन बार यानी कि 240 एग्स, एक फीमेल 240 बच्चे जन्म दे सकती है। ये आप समझ लीजिए कितना कितना लार्ज साइज में इनकी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। द इंसेक्ट्स कैन कवर लार्ज डिस्टेंसेज समटाइम्स अप टू 150 किलोमीटर इन अ सिंगल डे, यानी कि 150 किलोमीटर एक ही दिन में ये ट्रेवल कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इनका मूवमेंट इनकी चल जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ब्रेन साइज में बढ़ जाता है, इनकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चेंजेस इनके हैबिट में आ जाता है जब ये सोलिटरी से ग्रेगेरियस फेज में बदल जाते हैं। और क्या कंडीशंस हैं रिक्वायर्ड, जैसे मैंने बात की इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या चाहिए, एरिड और सेमी एरिड, जैसे मैंने बताया डेजर्ट रीजन होना चाहिए, रिसेंट रेन्स होनी चाहिए और प्रेजेंस ऑफ फुल वेजिटेशन, वेजिटेशन की फुल प्रेजेंस होनी चाहिए। देखो व्हेन रेन्स रिटर्न, इसलिए जैसे मैंने कहा कि जब रेन आ जाती हैं मॉइस्ट सॉइल हो जाती है और अबंडेंट ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो उससे इट क्रिएट अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। लोकस्ट नीड मॉइस्चर इन सेंट टू ब्रीड, दे डू ब्रीड इन ड्राई डेजर्ट्स टू, बट द निम्फ फेल्स टू कम आउट ऑफ द एग बिकॉज ऑफ द हीट। तो समझ लीजिए मॉइस्चर क्यों चाहिए, क्योंकि डेजर्ट तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, लेकिन अगर मॉइस्चर भी डेजर्ट में प्रेजेंट है तो ही इन ये ग्रेगेरियस फेज में बदलते हैं, क्योंकि ये ब्रीड कर सकते हैं ड्राई में भी, बट जो निम्फ होता है यानी कि एग अंडे के अंदर से जो बच्चा निकलना है वो तभी निकलता है जब जब थोड़ा सा मॉइस्ट हो, अगर हीट होती है तो वो हो सकता है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता या ग्रेगेरियस फेज में नहीं बदलता, सोलिटरी फेज में ही प्रेजेंट रहता है। द रेन ऑल्सो लेड टू द स्प्राउटिंग ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन लाइक ग्रासेस, ठीक है ना, रेन से ग्रासेस जो है डेवलप हो जाती हैं। दिस लेड टू मोर ब्रीडिंग ऑफ लोकस दैट गोट ए रेडी फूड सप्लाई, उनको फूड सप्लाई वहाँ पे मिल जाती है तो ऑब्वियसली उनकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है। हैंस ब्रीडिंग इज मोस्टली कन्फाइंड टू, इसलिए ही ब्रीडिंग जो है ना मोस्टली कन्फाइंड टू प्लेसेज लाइक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रेजेंट ही है ये ब्रीडिंग, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न जहाँ पे अफ्रीका का, आप जानते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आप देखेंगे तो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा वहाँ पे ये पाए जाते हैं, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। एंड डज नॉट अकर इन एरियाज लाइक इंडो गैंगेटिक प्लेन में नहीं होते, गोदावरी कावेरी डेल्टा में नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह वेट होता है या नहीं है वो, तो डेजर्ट चाहिए, वेट सॉइल चाहिए, रिसेंट रेन हुई हो और साथ में वेजिटेशन इन फुल ब्लूम चाहिए, ठीक है। तो ये मैप है लोकस्ट का, आप देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ पे है, ये जो हॉर्न अगर आप देख रहे हैं ये हॉर्न है, सो दिस इज दी हॉर्न, ये हॉर्न आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये ब्रीड करते हैं क्योंकि ये डेजर्ट एरिया कीनिया सोमालिया डिबूटी इथियोपिया वगैरह ये जो एरिया है यहाँ पे ब्रीड करते हैं ये। इसके अलावा ये जो सारा मिडिल ईस्ट है सऊदी अरेबिया येमेन ओमान क्योंकि यहाँ पे ब्रीड करते हैं, जो आप रेड सर्किल्स देख रहे हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये साथ में ईरान वगैरह एरिया अफगानिस्तान पाकिस्तान इस एरिया से यहाँ से मूव कर करके ये इंडिया तक आ जाएंगे, तो यहाँ पे ब्रीड करते हैं क्योंकि ये सारा डेजर्ट एरिया है और इंडिया में क्योंकि ये राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया तो यहाँ पे भी ब्रीड करते हैं, बट यहाँ पे ब्रीड इतना नहीं करते जितना यहाँ से आते हैं, मतलब यहाँ पे तो ब्रीड करते ही हैं बट यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन में ये आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए मैप के द्वारा मैंने शो किया है आपके कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अब आप देखिए इंडिया में कैसे, इंडिया में एक तो ये राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में वहाँ से भी आते हैं और यहाँ पे ब्रीड भी करते हैं, राजस्थान से फिर कहाँ जाते हैं, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट जो है इनका जो है झारखंड वगैरह इधर की तरफ निकल जाता है और कुछ पार्ट ऊपर जाके दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इस पार्ट तक भी ये मौजूद होते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, ब्रीड ये राजस्थान में गुजरात वाले एरिया में करते हैं, बट ये क्योंकि अगर विंड फ्लो वगैरह हो और प्रॉपरली आप समझ रहे हैं, क्योंकि विंड फ्लो के साथ ये आ जाते हैं ये आगे चल चल के, तो अगर यहाँ पे ब्रीड करते हैं और विंड फ्लो के साथ ये आगे चल चल के आ जाते हैं और ये वहाँ पे अटैक कर देते हैं क्रॉप्स को, ठीक है ना, इस तरीके से आप देख रहे हैं तो इस तरीके से ये अटैक कर देते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छा, अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लेक्चर को समझना। सो वीडियो उसके बाद है,
सो ड्यू टू द रीजन फॉर, अब क्या है ना, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये कहा जाता है इनके बारे में दैट द लोकस्ट आर द काइंड ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड दैट हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल स्पीसीज इन द प्लैनेट, कि किसी भी एनिमल स्पीसीज को कंपेयर करें प्लैनेट में एज कम्पेयर टू दो स्पीसीज, इन लोकस्ट का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर प्रीलिम्स एग्जाम कि इट हैज बीन सेड दैट, ये बोला जाता है कि लोकस्ट आर द काइंड ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड दैट हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट. अब वीडियो आप देख लीजिए. ये येलो और ब्लैक कलर के तो आपने जैसे वीडियो देखा, इस वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया है, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि क्या कंडीशंस चाहिए लोकस्ट के लिए और ये क्या क्या डिस्ट्रॉय, किस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं. तो ये वीडियो के जरिए आपको मैंने दिखाया दोबारा से. अब आप समझिए कि ये रीज़न क्या है इनका अटैक्स का. तो ये बेसिकली अभी ये तो आप समझ लीजिए कि पहले से अटैक करते आए हैं सीन्स टाइम इमेमोरियल, यानी कि पुराने ज़माने से ही. इवन इजिप्ट में और आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो बहुत पहले से ये लोकस्ट का जिक्र किया हुआ है कि ये लोकस्ट अटैक करते आए हैं. बट ये क्योंकि अभी इंडिया तक भी पहुंच रहे हैं, इंडिया में भी पहले भी आए हैं, बट ये लार्ज स्केल का जो अटैक इंडिया में हुआ है ये 27 साल में आज तक नहीं हुआ. 27 साल पहले हुआ था, बट उतना उस टाइम भी इतना नहीं हुआ था. तो इसको पाया माना जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज है इसका मेन रीज़न, जिसकी वजह से ये इतना जो है ये इतना इतना स्वाम्स जनरेट हुआ है, ब्रीड हुआ है और ये इंडियन कॉन्टिनेंट तक पहुंचा है. तो द आइडियल ब्रीडिंग कंडीशंस वे आर द प्रोडक्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस एज वार्मर देन यूजुअल टेम्परेचर्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन फ्यूल द स्टॉर्म्स. तो बेसिकली क्या है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसलिए आए हैं और इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ जो लोकस्ट हैं ये दे आर मैनेज टू कम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दी हायर टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन. तो जैसा इसमें लिखा है कि द आइडियल ब्रीडिंग कंडीशंस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, जो एक क्लाइमेट चेंज हुआ है इसकी वजह से इनको आइडियल ब्रीडिंग कंडीशंस मिली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास. वो क्या कंडीशंस थी, क्योंकि इंडियन ओशन कहा जा रहा है कि पहले की कंपेरेटिवली ज़्यादा वार्म हो गया है क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. सो दीज वार्म वाटर्स वर कॉज बाई द फिनोमिना कॉल्ड द इंडियन ओशन डाइपोल विद वार्मर देन यूजुअल वाटर्स टू इट्स वेस्ट एंड कूलर वाटर्स टू इट्स ईस्ट. तो आप समझ लीजिए हुआ क्या है. आप इंडियन ओशन डाइपोल आप ज्योग्राफी में अगर आप जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमेशा क्या होता है, ये जो इंडियन ओशन है उसमें तो टेम्परेचर गर्म हो जाता है इन दी समर्स. और द ईस्टर्न साइड, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया या सिंगापुर वगैरह के आसपास का एरिया, ईस्टर्न साइड में ये एरिया ठंडा हो रहता है. तो कंपेयर टू इंडियन ओशन ये एरिया ठंडा रहता है, इंडियन ओशन गर्म हो जाता है. अब इंडियन ओशन कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा गर्म हो गया, विद वार्मर देन यूजुअल वाटर्स टू इट्स वेस्ट एंड कूलर वाटर्स टू इट्स ईस्ट. नाउ राइजिंग टेम्परेचर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एम्पलीफाइड द डाइपोल एंड मेड द वेस्टर्न इंडियन ओशन पार्टिकुलरली वार्म. तो इससे गर्म हो गया इंडियन ओशन ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स. अब क्या है, लोकस्ट यूजली लीव इंडिया बाय नवंबर. जनरली क्या होता था कि लोकस्ट नवंबर तक इंडिया को छोड़ देते थे, निकल जाते थे. इन 2019 हाउएवर दिस डिड नॉट हैपन एज देयर वर 9 डेज ऑफ रेनफॉल
So in 2019, however, this did not happen as there were 9 days of rainfall in November 2019. 9 dino tak rainfall chali. The outbreak has been attributed to the 2018 cyclonic storms in the Red Sea region that led to lake formation in normally desert regions. तो कहने का मतलब ये है कि नवंबर तक चले जाया करते थे, जो कि इस बार नहीं गए. पिछले साल नवंबर में क्या हुआ, क्योंकि 9 days रेनफॉल हो गई तो ये यहाँ पे रुक गए, यानी नवंबर में ये नहीं गए इंडिया से बाहर. और साथ में 2018 में साइक्लोनिक स्टॉर्म आए रेड सी में, जो कि रेड सी आप जानते ही हैं, रेड सी जो दैट इज अराउंड दी अफ्रीकन और मिडल ईस्ट के बीच में जो सी है, दैट इज दी रेड सी. तो वहां पे क्या है, साइक्लोनिक स्टॉर्म आए जिसकी वजह से जो डेजर्ट रीजन्स में लेक फॉर्मेशन हो गई, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर एरिड सरफेस पे अगर जो है वेट सॉइल बन जाए तो वो कंड्यूसिव होती है उनके लिए ग्रीगेरियस फेज में बदलने के लिए. सो लोकस स्टॉर्म्स पीक इन 2019 नवंबर इन ईस्टर्न अफ्रीका में ये लोकस स्टॉर्म पीक हो गए. सिंस द स्टार्ट ऑफ 2020 स्टॉर्म्स बिल्ट अप इन ईरान एंड पाकिस्तान में स्टॉर्म्स बिल्ट अप हो गए. देयर हैव बीन चेंजेस इन द विंड एंड वेस्टर्ली विंड्स बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड बाय साइक्लोन एम्फान विच हैज एडेड दिस पासिव फ्लाइट. अब क्या हुआ कि अभी आप जानते हैं कि अप्रैल मई में यहाँ पे मई जून में ये एम्फान आया था साइक्लोन इन दी इंडियन ओशन इन दी अरेबियन सी. अब क्या हुआ, क्योंकि अरेबियन सी में अम्फान आया तो अम्फान ने वहां पे लो प्रेशर क्रिएट कर दिया. अब आप जानते हैं विंड फ्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब वहां पे क्योंकि इतना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो विंड फ्लो स्टार्ट हो गई फ्रॉम दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू दी इंडियन ओशन कॉन्टिनेंट. अब क्या हुआ, अब इस विंड के फ्लो की वजह से जो वहां पे ब्रीड कर रहे थे, जो रेड सी के आसपास जो ब्रीड कर रहे थे, तो क्योंकि रेड सी में आपको मैंने बताया कि वहां पे वेट कंडीशंस क्रिएट हो गई, तो वहां से जो लोकस्ट ब्रीड किए वो ड्यू टू विंड स्पीड, जो वेस्टर्ली विंड्स क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई तो उसकी वजह से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक आ गए. सो इंक्रीज टेम्परेचर इज नोन टू इंक्रीज देयर मेटाबॉलिक रेट मेकिंग देम मोर डेंजरस टू क्रॉप्स. और ये भी कहा गया कि इंक्रीज जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उससे उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, दैट इज दे बिकम मोर डेंजरस. ऑल्सो वाटर स्कैरसिटी वोंट इफेक्ट देम मच एज दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स कंटेनिंग वाटर. तो वाटर स्कैरसिटी से उनको कोई इंपैक्ट नहीं हुआ. दिस मीन्स दैट एज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइजेज सच स्वाम्स बिकम मोर पोटेंट, यानी कि वो ज्यादा डेंजरस हो गए, ज्यादा पोटेंट हो गए ड्यू टू दिस रीजन जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो जो बनता है हमेशा वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल एम्पलीफाई हो गया, जिसकी वजह से ये वेस्टर्नली विंड सर्कुलेशन स्ट्रेंथन हो गया और इसकी वजह से ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए और इतनी भारी मात्रा में पहुंच गए. व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन, अब डिस्ट्रक्शन आप देख लीजिए क्या लोकस ने कॉज किया है, क्या कॉज करते हैं. दे इफेक्ट 65 ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड. दे एंडेंजर द लिवलीहुड ऑफ 1/10 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. ठीक है ना, इतना ज्यादा हार्मफुल है ये. दे कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू क्रॉप एंड पेस्टर लैंड. द FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हैज वार्न्ड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फूड इनसिक्योरिटी इन अ रीजन हाउसिंग 25 million पीपल ऑलरेडी अफेक्टेड बाई 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ फ्लडिंग एंड ड्रॉट्स. तो मतलब ये जस्ट एक फैक्ट एंड फिगर्स हैं, आप इसको रिमेम्बर रख सकते हैं इस तरीके से कि बहुत लार्ज स्केल की फूड इनसिक्योरिटी ये कॉज करते हैं और 65 नेशंस को, पोरेस्ट नेशंस को ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं और 1/10 की लिवलीहुड को इंपैक्ट कर रहे हैं. दिस में एग्रेवेट द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इश्यूज एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये एक संभावना बताई गई है. द स्वॉर्म्स आर पोजिंग ए थ्रेट टू एयरक्राफ्ट ऑल्सो स्पेशली एट द लैंडिंग एंड टेक ऑफ फेजेस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एयरक्राफ्ट के लिए भी एक थ्रेट है एज द स्वॉर्म्स आर फाउंड एट लोअर एल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं. द पायलट्स हैव बीन वॉर्न्ड अगेंस्ट यूजिंग वाइपर्स एज इट माइट एग्रेवेट द सिचुएशन. पायलट्स को वाइपर को ना यूज करने के लिए बोला गया है क्योंकि इससे सिचुएशन में ज्यादा एग्रेवेशन हो सकता है. दे हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड टू अप्रोप्रिएटली क्लोज पॉसिबल एयर इनटेक पोर्ट्स. जो भी विमान में एयर इनटेक पोर्ट्स होते हैं ना, जैसे एयर इनटेक करते हैं, उनको सुटेबली अप्रोप्रिएटली क्लोज करने की भी उनको बताया गया है कि अप्रोप्रिएटली उसको देख के क्लोज किया जाए और खोला जाए. यानी मतलब इतना डिस्ट्रक्शन ही कोस कर सकते हैं. अब व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस लोकस्ट प्रॉब्लम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. अब इसमें हमने दो टाइप के सॉल्यूशंस की बात की है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म जो भी गवर्नमेंट कर रही है, बट एक्चुअली शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अपनाने पड़ेंगे. तो लेकिन पहले हम शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है.
हिस्टोरिकली लोकस कंट्रोल हैज इन्वॉल्व स्प्रेइंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स, जो कि केमिकल पेस्टिसाइड जिनको बोला जाता है, जो कि फार्मर्स भी यूज़ करते हैं अपने फील्ड में, ऑन दी नाइट रेस्टिंग प्लेसेस ऑफ द लोकस्ट। कहा जाता है कि ये केवल दिन में उड़ान भरते हैं, रात में नहीं भरते, तो जहाँ पे ये रेस्ट करें नाइट में तो इनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाए ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, जिससे ये मर जाएंगे वहीं पर। तो ये एक है, एक सोल्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट भी किया है, बट दैट इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ ने फार्मर्स को एडवाइज किया है टू स्प्रे केमिकल्स लाइक लैम्डा साइहेलोथ्रिन, डेल्टा मैथ्रिन, फाइप्रोनिल, क्लोर पायरीफोस और मेलाथियन, ये सब इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के नाम है, इनके ऊपर स्प्रे किया जाए ताकि इनको मारा जा सके और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। हाउएवर द सेंटर, लेकिन मई 14 में सेंटर ने क्लोर पायरीफोस एंड डेल्टा मैथ्रिन को बैन कर दिया, मेलाथियन को भी बैन करने की बातें हो रही थी, बट इंक्लूड किया था बट, लेकिन लोकस्ट कंट्रोल के लिए अलाउ कर दिया, यानी कि फील्ड में नहीं डाल सकते, लोकस्ट के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन क्लोरोपायरीफोस एंड डेल्टा मैथ्रिन को अलाउ नहीं किया है। स्पेशल माउंटेड गन्स आर यूज टू स्प्रे, अब क्यों नहीं अलाउ किया है, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इससे क्या है ना, एक तो क्रॉप आपकी इन्फेक्ट हो जाएगी विद इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, तो जब आप क्रॉप खाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा जो बर्ड्स और जो और जो जंतु जानवर हैं, काओ है और जंतु जानवर ये क्रॉप्स खाते हैं, उनके अंदर ये सारे इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड पहुंच जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। स्पेशल माउंटेड गन्स आर ऑल्सो यूज टू स्प्रे द केमिकल्स ऑन द रेस्टिंग प्लेसेस, ड्रोन्स आर ऑल्सो बींग यूज, क्रिएशन ऑफ डिस्टर्बेंस और नॉइज वगैरह क्रिएट करो ताकि उनको उनको स्क्वाम्स को ब्रेक किया जा सके, यानी कि एक्चुअली क्या है ना, शोर मचाओ तो ये भाग जाते हैं, बट ये भागते हैं, ये मरते नहीं है, तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, यहां से वहां भगा दोगे लेकिन दूसरी जगह जाके ये फिर वही काम करेंगे। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है जिसकी हम बात करें कि ये अडॉप्ट होने चाहिए। देयर हैव बीन सजेशंस फॉर द यूज ऑफ लोकस्ट एज फूड सच एज इन येमन, येमन में बात हुई थी 2019 में कि इनको खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दे आर वन ऑफ द चीपेस्ट एंड रिचेस्ट प्रोटीन सोर्सेज, ये रिचेस्ट एंड चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट 45% होता है लेकिन इनमें 70% होता है, लेकिन ये अनसेफ हो सकते हैं ओवर कंसर्न ऑफ पॉसिबल पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड का रेसिड्यू अगर इनके अंदर होगा और वो आप खाएंगे इनको तो ऑब्वियसली आपके अंदर पहुंच जाएगा, तो ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, बट एक अच्छी एक चीपेस्ट एंड रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स की तरह इन्हें यूज किया जा सकता है। इसके अलावा द लोकस कुड बी यूज एज फीड फॉर पोल्ट्री एंड इंडस्ट्री और फिशरीज, फिशरीज को देने के लिए और पोल्ट्री को देने के लिए, यानी कि मुर्गी वगैरह को उनके खाने के लिए यूज किया जा सकता है इनको। इसका क्या फायदा होगा, फार्मर्स को भी इनकम होगी, क्योंकि क्या होगा ना, फार्मर्स इनको पकड़ेंगे और बेच देंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री को, तो उन्हें इनकम होगी फ्रॉम टैपिंग, उनको पकड़ेंगे ट्रैपिंग द पेस्ट, लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ द इंसेक्ट्स विदाउट द यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स एंड हेंस अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, क्योंकि बस आपको पकड़ना है और दे देना है इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्री जो है इनको खाने के तौर पे चिकन फीड के तौर पे यूज कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा ये न्यूट्रिशियस होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। और नेगेटिव साइड में क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्री ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इन टू द फूड चेन, क्योंकि अगर मुर्गियां इनको खाएंगी तो ऑब्वियसली मुर्गियों को आप खाओगे तो आपके अंदर भी जाएगा, क्योंकि मुर्गियों को खाएंगे तो मुर्गी के अंदर आएगा, मुर्गी से आपके अंदर आ जाएगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जिनको गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। उसके अलावा और क्या सॉल्यूशन, देयर इज नीड टू डेवलप अल्टरनेटिव्स टू ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो मैंने बात की पेस्टिसाइड जो कि बहुत हार्मफुल है, उनकी जगह दूसरे पेस्टिसाइड यूज करने चाहिए, कौन से, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। सो माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स लाइक दी फंगस बेस्ड ग्रीन मसल, जैसे फंगस बेस्ड ग्रीन मसल है, तो बेसिकली क्या होता है ना, ये इन बैक्टीरिया फंजी एल्गी इनसे ये पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, इनके डीएनए लेके जो भी लेके जैसे भी बनते हैं ये बेसिकली ये हार्मफुल नहीं होते, और ये बायोपेस्टिसाइड्स इनको बोलते हैं माइक्रोबियल, इन माइक्रोब से बनते हैं पेस्टिसाइड्स, तो इनके ऊपर छिड़का जा सकता है, इन पेस्टिसाइड्स को यूज करके इनके ऊपर छिड़को, इनको मार दो, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है। नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशंस क्या हैं, जैसे स्टडीज ने हैव इंडिकेटेड दैट स्वामिंग बिहेवियर कैन बी कप बाय कंट्रोलिंग दी सेरोटोनिन सो नॉन लेवल। अब ये सेरोटोनिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, सेरोटोनिन जो होता है ना हार्मोन होता है जिससे लोकस जो है स्वाम्स बनने में मदद करते हैं, जब ये
ये सॉलिटरी से ग्रिगेरियस फेज में बदलते हैं, तो ये हार्मोन होता है उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है टू टर्न इनटू ग्रिगेरियस फेज। तो अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए सोलिटोनिन लेवल उनके अंदर को लोकस्ट के अंदर, तो फिर हम उनको स्वार्म से बदलने से रोक सकते हैं। अब ये कैसे किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे भी नहीं पता, बट कंट्रोल करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज इंक्लूड्स मेंटेनिंग ए हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल प्रीडेटर्स। इसके अलावा जो नेचुरल प्रीडेटर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को आपको मेंटेन करना चाहिए, जैसे मैना, क्रो, इस टाइप के जो प्रीडेटर्स होंगे जो इनको, इनके ऊपर खाएंगे, इनको खा लेंगे। अगर प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन आप मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रीडेटर्स हैं इनको प्रीडेट करेंगे और इनकी पॉपुलेशन को खत्म कर देंगे। बट दिस मस्ट बी कपल्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड यूज टू प्रिवेंट पॉइजनिंग ऑफ द एवियन पॉपुलेशन। की एवियन पॉपुलेशन यानी कि जो उड़ने वाली पॉपुलेशन है जो आपने मेंटेन की इनके ऊपर प्रीडेट करने के लिए, उनके अंदर ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना पहुंच जाए, तो इसलिए आपको पेस्टिसाइड का यूज बंद करना पड़ेगा। हाँ, बायो माइक्रोबियल बायो पेस्टिसाइड यू कैन यूज, दैट इज नॉन हार्मफुल। दिस माई लास्ट स्लाइड, लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बात की थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर जिसकी स्थापना की गई थी टू स्पेसिफिकली डील विद द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट, इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस LWO इज पार्ट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन स्कीम अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन। इट इज हेडक्वार्टर जोधपुर में हेडक्वार्टर्ड है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है ये ऑर्गेनाइजेशन। सो LWO रेगुलरली ये सर्वे करता है राजस्थान और गुजरात में बेसिकली और अराउंड भी, टू एक्सेस एसेस करता है कि लोकस पॉपुलेशन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा तो नहीं हुई है एक हेक्टेयर में 10,000 एडल्ट जिसमें होंगे, यानी कि एक हेक्टेयर में अगर 10,000 से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन बन गई है तो वो एक हार्मफुल लेवल माना जाता है, तो फिर ये सुटेबल मेजर्स लेंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड बोलते हैं, यानी कि उससे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। इट्स स्टैंडर्ड ऑपरेशन इंक्लूड द यूज ऑफ, तो अभी क्या करेगा लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या करते हैं, यूज ऑफ अल्ट्रा लो वॉल्यूम पेस्टिसाइड एप्लीकेशन यानी कि उनको अप्लाई करते हैं इनके ऊपर ताकि ये मारे जा सके। वेर ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड पेस्टिसाइड इज अप्लाइड टू दी अफेक्टेड एरिया। तो ये सब मेजर्स LWO अडॉप्ट करता है। तो आप समझ लीजिए LWO को ही मैंडेट दिया है कि इनके ऊपर सर्वे करना है, एसेस करना है इनका कि इनकी इनकी पॉपुलेशन कितनी हो गई है, ये डेंजरस लेवल पे तो नहीं पहुंच गए, और साथ में जो मेजर्स अडॉप्ट करने हैं इनको ख़त्म करने के वो भी LWO को करने पड़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें आपसे प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा सकता है, ये एक्टिव फेज ग्रिगेरियस फेज पता होनी चाहिए, सॉलिटरी और ग्रिगेरियस, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज से कैसे इनको बढ़ावा मिल रहा है, इनकी क्या हैबिट्स चेंज हो जाती हैं ग्रिगेरियस फेज में, और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा लोकस्ट का लेक्चर, मुझे लगता है इसके अलावा और कुछ आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये रहा लोकस्ट का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी का हमारे देश में क्या हाल है, और अगर है, अगर अच्छा है तो क्या है, इनसिक्योरिटी है तो क्यों है, क्या है, उसके ऊपर सारे हम पूरे लेक्चर में बात करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेन्स के लिए बहुत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लोकस्ट है, ये प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस आई एंड माई लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन फॉर इफ यू वॉन्ट टू गेट द ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड माई न्यू लेक्चर, एंड काइंडली लाइक माई लेक्चर इफ यू लाइक माई लेक्चर, एंड मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे फ्री लेक्चर्स आपके लिए बनाऊँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपकी नॉलेज शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।